हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी वेबसाइट लेके आया हूँ जो आपको सर्च करने के लिए पे करेगी। तो इस वीडियो का अगर आप एंड तक देखोगे तभी आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि कैसे आप अर्न कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें, और अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो चलो आज मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि कौन सी ऐसी साइट है जो आपको सर्च करने के लिए पे करेगी। तो आपको सिंपली गूगल गूगल पे आना है, आपके क्रोम में खोल के गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है presearch.org। जैसे आप presearch.org सर्च करते हो तो आपको इस तरह से एक साइट दिख जाएगी। तो जैसा कि इस पे मैंने पहले ही अकाउंट बना रखा है, तो आप सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे और आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे, देन आपका कंफर्म पासवर्ड आएगा और यहाँ पे आपने टर्म एंड कंडीशंस पे क्लिक करना है ओके करके, और आई एम नॉट ए रोबोट इस पर ओके करोगे तो आपको एक कैप्चा आएगा और कैप्चा को आप सॉल्व करने के बाद साइन अप पे कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लॉग इन कर रखा है तो मैं सिंपली लॉग इन पे ही जाऊँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं सिंपली यहाँ पे देखो मेरा लॉग इन आईडी डली हुई है, मैं जस्ट लॉग इन करूँगा। इस तरह से आपको एक इस तरह की साइट दिख जाएगी। ठीक है, तो इसमें अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको अबाउट, स्पॉन्सर्स, लीडर बोर्ड्स और आपके नाम का दिख जाएगा, माय अकाउंट दिख जाएगा। ठीक है, माय अकाउंट में आप जाके अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो अपडेट प्रोफाइल करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। इसमें आपको अपना नाम, डिस्प्ले नाम, ये कुछ भी हो सकता है, आपका निकनेम या वटैवर, आप जो भी नाम डालना चाहते हो डिस्प्ले नेम में डाल सकते हो। आपका नाम डलेगा, आपका जेंडर, कंट्री आएगा और इसको आप अपडेट कर दोगे। तो जैसा कि मैंने पहले कर रखा है, इसमें आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो, जिससे आपको हर टाइम अगर आप जब भी विड्रॉल लेते हो तो आपको पासवर्ड एक ओटीपी आएगा, उससे आप कंफर्म करोगे कि आप ही विड्रॉल ले रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो टोकन रहेंगे वो आपके यहाँ पे रिवॉर्ड अकाउंट में आते जाएंगे इस तरह से आप। और इस तरह से आप इस ब्राउज, इस जो हम इसकी बात कर रहे हैं प्रीसर्च को, इसको आप एक्सटेंशन की तरह यूज़ कर सकते हो अपने ब्राउज़र के अंदर, ताकि जब भी आप सर्च करोगे तो आपको अर्निंग होती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्रोम और फायरफॉक्स के लिए इसकी एक्सटेंशन भी है जो आप एज ए सर्च के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके अकाउंट के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इस पर आप अर्न करते हो। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक सर्च इंजन खुल रहा है। जैसे ही इस पर आप, जैसे मैं कि अंबुजा सीमेंट सर्च कर रहा हूँ, जैसे मैं सर्च करूँगा तो आपको ये सीधा ही गूगल पे लेके आ जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मली जो गूगल सर्च करता है वही साइट्स खुलेंगी, एज इट इज़ कोई डिफरेंट नहीं है। जस्ट ये आपको इसी का पे कर रहा है कि आप इसके सर्च इंजन को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से ये मैक्सिमम आपको पर डे जो होगा वो 32 सर्चेज ही दे पाएगा। मतलब अगर आप पर डे 32 सर्चेज कर रहे हैं तो उसके 8 PR ही मिलेंगे आपको। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि 1 PR, जब आप कुछ सर्च करोगे तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि 1 जो PRE है वो कितने इंडियन करेंसी के इक्वल है। तो यहाँ पे US डॉलर बता रहा है, अगर आप US डॉलर का देखते हो तो 1 PRE इज इक्वल टू होता है 0.06 USD। तो मतलब आप, अगर हम 1000 की बात करते हैं तो 1000 जो होंगे आपके, यहाँ पे देख सकते हो आप, सॉरी ये इसके इक्वल आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 1000 डालता हूँ, देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये अप्रॉक्सीमेटली 60 US डॉलर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो, आप अगर आपके पास 1000 PRE हो जाते हैं तो आप उनको US डॉलर में कन्वर्ट करवा सकते हो अपने इथेरियम अकाउंट में। तो इस तरह से आपको पर डे के 8 PRE ही मिलेंगे, और अप्रॉक्सीमेटली आप 4 की मंथ में 1000 PRE कर सकते हो और उसका विड्रॉल ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माय रिवार्ड आएगा, इसमें अगर आप क्लिक करते हो तो इस तरह से आपको
यहाँ पे रिडीम टोकन का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपके पास 1000 PRE हो जाते हैं तो आप थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो इसका थ्रेशोल्ड विड्रॉल है, उसको क्रॉस कर लोगे, तो आप इस तरह से विड्रॉल ले सकते हो, फर्स्ट अपना विड्रॉल। ये थी आपकी कंडीशन फॉर फर्स्ट विड्रॉल के लिए। और इस तरह से आप अगर और अर्निंग करना चाहते हो तो अपने अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कर सकते हो। एक एक रेफरेंस की आपको 25 टोकन देंगे, बट तभी आपको टोकन मिलेंगे अगर आप, जो आपका रेफरल फ्रेंड है, अगर वो 100 सर्च रिवार्ड टोकन्स रिसीव कर लेता है, और मैक्सिमम जो होगा 60 डेज के लिए वो साइन अप रहता है। ठीक है, 60 डेज के लिए साइन अप रहना चाहिए, और 100 जो रिवार्ड टोकन हो गए वो उसके अकाउंट में आ जाते हैं, तभी आपको 25 टोकन मिल जाएंगे इसके। तो इस तरह से आप 100 टोकन्स को, सॉरी 1000 टोकन्स को रिडीम कर सकते हैं अपने इथरल अकाउंट में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनको अपने इथरल अकाउंट में शिफ्ट कर सकते हो। ये था आज आपको, एक प्रीसर्च का एक ऐसी साइट है जो आपको सर्च करने के लिए भी पे करेगी, और पर डे का आपको 8 PRE सर्च करके मिल जाएंगे आराम से, अगर आप 32 सर्चेस आराम से करते हैं। ठीक है, और पर सर्च का ये 0.25 PRE देता है। ठीक है, और इसको आप इजीली US डॉलर में या इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, और अपने इथेरियल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको एक्चुअल में ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।